हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रतिशत के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो व्हाट प्रॉब्लम होगा। हमने इस पे बेसिक वीडियोस अपलोड कर रखे हैं, उसमें बहुत बेसिक से हमने डिस्कस किया है। अगर आपको वो वीडियो देखने हैं, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए आज हम बेसिक परसेंटेज के व्हाट प्रॉब्लम्स को करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, इफ़ इनकम ऑफ रहीम इज़ 25% मोर देन दैट ऑफ द करीम। रहीम का इनकम क्या है, 25% ज़्यादा है किससे, करीम से। देन इनकम ऑफ करीम, तो करीम का इनकम हाउ मच परसेंट लेस देन दैट ऑफ द रहीम। तो करीम का इनकम रहीम से कितना कम है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको प्रोसेस से बताएंगे, उसके बाद हम शॉर्टकट लगाएंगे। तो पहले देखिए, अगर हम करीम का इनकम मान लेते हैं, लेट करीम्स इनकम 100 रहा होगा। अब 100 हम इसलिए मानते हैं क्योंकि कैलकुलेशन करने में इजी हो। तो रहीम का कितना होगा, देन रहीम इनकम हो जाएगा कितना, 25% ज़्यादा है यानी 125 हो जाएगा। तो अब हमें क्या कह रहा है, करीम का जो इनकम होगा कितना परसेंट कम होगा रहीम से। तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, परसेंटेज चेंज निकालेंगे, प्रतिशत में क्या अंतर है। तो हम देख रहे हैं, ये जो रहीम का इनकम है इससे कितना कम है, 5 कम है, यानी 125 माइनस 100 हो जाएगा। किससे कम है, से। यहाँ पे आप वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, फ्रॉम अगर लगा हुआ से तो उसको कहाँ रखेंगे, हम नीचे रखेंगे डिनोमिनेटर में। तो करीम का जो इनकम है 100 है, इसका कितना है रहीम का 125। तो करीम का इनकम कितना कम है, इससे 25 कम है, यानी 125 माइनस 100 बाई किससे कम है, रहीम से। तो कितना हो जाएगा, इनटू क्या करेंगे परसेंट में चेंज करने के लिए, 100। तो ये हो जाएगा 25 बाई 125 इंटू 100। तो 25 से कटाइए कितने बार में, 5 बार में, 5 से कट जाएगा कितने बार में, ये 20 बार में। तो आंसर कितना आ जाएगा, 20% क्या होगा, करीम का जो इनकम है 20% कम होगा किससे, रहीम के इनकम से। अब चलिए हम चलते हैं किस पे, फ्रैक्शन के मेथड से करते हैं। तो हमें फ्रैक्शन के मेथड में सिर्फ ये देखना रहता है परसेंट कितना दिया हुआ है। तो 25% दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, फ्रैक्शन में 1/4 पहले हम बता चुके हैं। तो हम क्या है यहाँ पर देखना हमें, ये जो आया 25% इक्वल टू 1/4, ये रहा होगा किसका, हम इनकम मान लेते हैं यहाँ पे, इफ़ इनकम ऑफ रहीम इज़ 25% मोर देन दैट ऑफ करीम। यानी ये क्या है, करीम का इनकम रहा होगा 4 यूनिट मान लेते हैं। तो करीम के इनकम से कितना ज़्यादा है रहीम का, 25%। तो 4 का 25% कितना होता है, 1, यानी 4 प्लस 5 यूनिट हो जाएगा किसका, रहीम का इनकम। अब बोल रहा है रहीम का इनकम इससे कितना ज़्यादा है या कम है। तो करीम का इनकम इससे कितना कम है, 1 कम का, 1 कम है। तो क्या करेंगे, एक किससे कम है, रहीम से। तो क्या हो जाएगा, 1/5, 1/5 इंटू क्या कर देंगे हम, 100 कर देंगे। तो इसके इक्वल टू कितना आ जाएगा, 20%। तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि से किससे बोल रहा है, तो उसको कहाँ रखेंगे, नीचे रखेंगे। तो इसको हम क्या मान लिए, 4 यूनिट रहा होगा करीम का इनकम, तो इससे ज़्यादा कितना है रहीम का, 25%। तो 4 का 25% कितना होगा, 1, यानी 1 ज़्यादा है। तो यानी रहीम का कितना हो गया इनकम, 5 यूनिट हो गया। अब बोल रहा है करीम का जो इनकम है इससे कितना कम है, तो इससे कितना कम है, 5 से 4, यानी 1 का कम है, 1 का कम है किससे, 5 यानी रहीम से। तो उसको कहाँ रखेंगे, नीचे, इनटू परसेंट में बदलना है। तो 100 20% आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, इफ़ इन एन एग्जामिनेशन द मार्क्स ऑब्टेन बाई राज इज 20% लेस देन दैट ऑफ द साहिल। अब क्या बोल रहा है, राज का जो परसेंट है
साहिल से कितना परसेंट कम है? 20%। तो हम इसी परसेंट को देखना है, 20% को कितना लिख सकते हैं? 1/4। तो किससे कम है? साहिल से कम है, तो से जिससे बोला उसको हम नीचे रखेंगे, यानी साहिल का कितना रहा होगा? साहिल का कितना इनकम रहा होगा? 4 यूनिट। अब इससे कितना कम है? इससे कितना कम है राज का? 20%। तो 4 का 20% कितना होता है? 1 होता है। 4 का 20% कितना होगा? 1, यानी 1 कम है, तो ये कितना हो जाएगा? 3। 3 किसका हो जाएगा? राज का हो जाएगा। यानी साहिल से 20% कम है, तो साहिल का हमने माना 4 यूनिट रहा होगा इनकम, तो 4 का 20% कितना होगा? 1। तो 1 यूनिट कम होगा इसका, राज का। तो अब यहाँ पे बोल रहा है देन मार्क्स ऑप्टेन बाई साहिल इज हाउ मच मोर देन। तो साहिल का जो मार्क्स ऑप्टेन होगा राज से कितना ज़्यादा होगा? तो राज से हम देख रहे हैं कितना ज़्यादा है, 1 का ज़्यादा है। किससे? राज से। तो कितना हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। जिससे बोल रहा है उसको कहाँ रखना है? नीचे। इसको परसेंट में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 33:1/3% आ जाएगा। इसको अगर डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा मिक्स्ड फ्रैक्शन में? 33:1/1/3% आ जाएगा। ये किसका आएगा? साहिल का जो मार्क्स होगा इतना परसेंट ज़्यादा होगा राज से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, एज सैलरी, ए का जो सैलरी है कितना परसेंट है? 6:2/3% लेस देन द बी सैलरी। बी के सैलरी से क्या है? ए का सैलरी इतना परसेंट कम है। देन बी सैलरीज इज मोर देन ए सैलरी बाय व्हाट परसेंट। तो बी से ए का सैलरी कितना ज़्यादा होगा? तो हमें क्या देखना है? पहले परसेंट देखना है। 16 सही 2/3% को हम क्या लिखते हैं? 1/6। ये पहले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो क्या देखते हैं? से देखिए कि आप क्या बोल रहा है, बी के देन किस में लगा हुआ है? देन हो या से हो, उसको हम कहाँ रखेंगे? नीचे रखेंगे डिनोमिनेटर में, उसी से कंपेयर करेंगे। तो बी से कितना कम है? ए इतना परसेंट कम है। तो मान लिए बी का कितना रहा होगा? 6 यूनिट रहा होगा सैलरी। तो इसका 16 सही 2/3% कितना होगा? 1 होगा। इतना कम है यानी कितना होगा? 6 में से 1 जाएगा। 5 यूनिट रहा होगा किसका? ए का सैलरी रहा होगा। अब बोला ए के सैलरी से बी का सैलरी कितना परसेंट ज़्यादा है? तो ए से देखिए बी कितना ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है? ए से ज़्यादा है, यानी 1/ जिससे बोल रहा है उसको नीचे रखेंगे, इनटू क्या करेंगे? 100। तो कितना आ जाएगा? ये कट के 20% ज़्यादा होगा, यानी बी की सैलरी क्या होगी? 20% ए से ज़्यादा होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फिर फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, इफ़ एज इनकम इज 5/6 ऑफ द बीज इनकम देन बीज इनकम इज मोर देन एज इनकम बाई व्हाट परसेंट। ए का जो वेतन है 5/6 गुना है किसका? बी के वेतन का। देन तो बोला है बी का इनकम कितना ज़्यादा होगा ए के इनकम से परसेंट के फॉर्म में। तो हम यहाँ देख लेते हैं कितना दिया हुआ है। ए का इनकम मान लेते हैं ये क्या है? बी का। यहाँ पे क्योंकि किस में दिया हुआ है? रेशियो में दिया हुआ है, तो हम ए भी अलग लिखेंगे। तो ये कितना रहा होगा? इसकी सैलरी 5 यूनिट रही होगी, तो इसका कितना रहा होगा? 6 यूनिट रहा होगा। इसका सैलरी कितना रहा होगा? 5 यूनिट। तो इसका सैलरी कितना रहा होगा? 6 यूनिट। अब हमें देखना है बी का जो है इनकम कितना ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है। बी का जो इनकम ऐसे कितना ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है। हमें बोला है बी का इनकम कितना ज़्यादा होगा ए के इनकम से बाय परसेंट। तो कितना ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है? ए से ज़्यादा है, इनटू 100 करेंगे, परसेंट में चेंज करना है, तो कितना आ जाएगा? 20% ज़्यादा होगा बी का इनकम, किससे? ए से होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इन ए कंपनी देयर आर कितना है? 724 एम्प्लॉयज़,
25% इम्प्लॉय क्या हुआ लेफ्ट द जॉब, जॉब को छोड़ चुके 25%। तो फाइंड द नंबर ऑफ रेस्ट इम्प्लॉयज, तो हमें इम्प्लॉयज का संख्या दिया हुआ 724, जिसमें से 25% इम्प्लॉयज क्या हुए जॉब छोड़ दिए, तो हमें नंबर ऑफ लेफ्ट इम्प्लॉयज बताने कितने बचे होंगे। तो हमें परसेंट देखना है यहाँ कितना, 25% दिया, इसका मतलब क्या होगा 1/4, तो हम मान लेते वो इम्प्लॉयज कितना रहा होगा 4 यूनिट रहा होगा, कितना रहा होगा 4 यूनिट, उसमें से इतना परसेंट छोड़ चुके, यानी इतना परसेंट जॉब छोड़ दिया, यानी 4 का इतना परसेंट कितना होता है 1, और 1 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यानी 3 यूनिट जो होगा वो छोड़ दिया होगा जॉब को। तो हम जानते हैं यहाँ पे 4 यूनिट ना दिया हुआ है, कितना है रियली में 724 एम्प्लॉयज थे, 4 यूनिट नहीं थे, कितने थे ओरिजिनली 724 एम्प्लॉय थे। ये तो 4 यूनिट की वैल्यू हुई, 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हुई, 4 से डिवाइड दे देंगे तो कितना होगा 18 चौका 72, 4 एक 4, तो इसीलिए ये 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 181 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 18 54, 3 एक 3, यानी 543 एम्प्लॉय जो होंगे वो बचेंगे, क्या होंगे वो बचे हुए। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे 5 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जो आपको कॉन्सेप्ट को क्या करेगा क्लियर कर देगा। तो आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट में लिख के बताइए, और प्रीवियस लेक्चर हमने 4-5 वीडियो अपलोड कर चुके हैं जिसमें बहुत बेसिक से उसमें डिस्कस किए हैं, अगर आपको वो वीडियोज़ देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा, वहाँ जाके देख सकते हैं, और फर्दर ट्विकी वीडियो का भी वहाँ लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। अगर वीडियो यूज़फुल रहा हो तो दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।